गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग कल प्रश्नावली एक बार दो का क्वेश्चन कर रहे थे, आज भी हम लोग प्रश्नावली एक पॉइंट दो का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आप प्रश्नावली देख रहे हैं, प्रश्नावली ठीक है, एक पॉइंट दो है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन लिखा क्या है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है, ठीक है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये मान दिया है, ये आपका शुरुआती तापमान है यानी मूल तापमान है, और इसको बोल रहा है कि प्रति घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान को कम करना है, ठीक है। तो 10 घंटे बाद जो तापमान होगा वह कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से, भाव ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इसको बहुत अच्छा समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले लिखना है कि शुरुआती दौर में तापमान बराबर, कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान दीजिएगा क्या है, शुरुआती दौर में तापमान बराबर कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसका मूल तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यह कह रहा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करना है। अब यहाँ पर लिखे हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से तापमान को कम करना है, तापमान को कम करना है, ठीक है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है और टाइम दिया है कि 10 घंटे के बाद, ठीक है। इसको लिखेंगे, कुल समय कितना है, कुल आपका समय दिया है 10 घंटे, आप ध्यान दीजिए जो तापमान है एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, तो 10 घंटे में कितना डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा जी। चलिए इसको हम लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि तापमान एक घंटे में देखिए यानी क्या है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे, इसका अर्थ ये होता है कि एक घंटा में जो तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, ठीक है। वही बात हम यहाँ जो है कि तापमान एक घंटे में 5 डिग्री, तापमान एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है, कम होता है। तो ध्यान दीजिए जब तापमान एक घंटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है यानी कम होता है तो 10 घंटे में कितना कम होगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे लिखेंगे, 10 घंटे में ठीक है, 10 घंटे में तापमान में 10 घंटे में
तापमान में हुई कमी बराबर हुई कमी बराबर। अब ध्यान दीजिए एक घंटा में तापमान घट रहा है 5 डिग्री तो 10 घंटे में कितना घटेगा 10 × 5 बराबर कितना होगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा घटेगा तापमान। ठीक है इसे ध्यान दीजिए लिखा गया है शुरुआती दौर में यानी समूह तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो लिखा गया शुरुआती दौर में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दौर से तापमान को कम करना। ठीक है जो प्रश्न में दिया हुआ है अब लिखा गया है कुल समय कितना है कुल समय का दिया 10 घंटे। ठीक है इसके बाद लिखा गया तापमान 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है तो 10 घंटे में तापमान में हुई कम बराबर यानी 10 × 5 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान ध्यान दे रहा है कि जब तापमान 1 घंटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है तो तापमान 10 घंटा में कितना कम होगा 10 × 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा कम होगा। अब पूछा है कि 10 घंटे के बाद जो तापमान होगा वो कितना होगा तो जो शुरुआती तापमान है यानी जो मूल तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और 2 घंटे बाद से पता हुआ था 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मूल तापमान है उसको अंकित तापमान करेंगे इसमें घटाएंगे। ठीक है अगर लिखेंगे कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर ध्यान दीजिए आपका मूल तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और आपको 10 घंटे बाद कितना मिला है तापमान यह तो मिला है 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान दीजिए कि मान क्या है छोटा है और ये मान क्या है बड़ा है यानी कि 40 में से घटाएंगे 50 कितना आएगा माइनस का 10 आएगा ना बिल्कुल आएगा हम क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका सटीक आंसर होगा। चलिए लिखेंगे इसलिए कमरे का ठीक है लिखेंगे कमरे का वर्तमान ठीक है वर्तमान है ध्यान दीजिएगा एक बार ऐसे देखते हैं कमरे का वर्तमान तापमान बराबर कितना है माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर होगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका 11 रहा प्रश्नावली 1.2 का तो चलिए फिर से इसको एक बार समझ लीजिए आप ध्यान दीजिए इस तरह से पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी हिमीकरण यानी ठंडा कोई स्थान है हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है शुरुआत लिखा गया है कि उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा यहाँ आप पिछले सबसे पहले पूछा गया है कि मूल तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका प्रति घंटे तापमान कितना घट रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है और टाइम कितना दिया है टाइम हो गया 10 घंटा। वही बात का मंत्र किया गया है कि शुरुआती दौर में तापमान क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड फिर लिखा गया कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दौर से तापमान को कम करना है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है।
और तुम कितना समय है इसमें का 10 घंटे। फिर दिखाया गया कि तापमान 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और कुछ का टाइम दिया है, कुछ टाइम दिया था 10 घंटे। और लिखा गया है 10 घंटे में तापमान में हुई अभी बराबर, अब 1 घंटा का तापमान घट रहा है 5 डिग्री, तो कितना कितना घटेगा 10%। अच्छा लिखा गया 10 मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका 10 घंटे के बाद तापमान घटकर उतना पहुंच जाएगा। बात लिखा गया है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर, यानी कितना का मूल तापमान है, तो मूल तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्तमान कितना है, वर्तमान आता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो घटाएंगे कितना है उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड का वर्तमान कमरे का तापमान है जो आपका सटीक आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।